तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसके तेज गेंदबाजों के लिए जाना जाता है। हाल फिलहाल में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह जैसे तेज गेंदबाजों ने सभी का दिल जीता है, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल गया है एक नया रहस्यमयी गेंदबाज जो गति से नहीं फिरकी से करता है बल्लेबाजों पर वार। और इस गेंदबाज का नाम है अबरार गुगली भी डालते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेटर वन भी अबरार की बहुत बड़ी ताकत है। अबरार अपने टेस्ट करियर के पहले ही सेशन में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। डेब्यू मैच पर 5 विकेट लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाजों में सिर्फ वहाब रियाज ऐसे थे जिन्होंने पहले दिन 5 विकेट लिए थे। 5 साल पहले पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी के तब के मुख्य कोच मुश्ताक अहमद ने 19 साल के लड़के अबरार अहमद से पूछा था, क्या तुम अब्दुल कादिर को जानते हो? इसके जवाब में अबरार ने कहा था, ये कौन है, कभी नाम नहीं सुना। इस पर अहमद ने कहा था, तुम लेग स्पिन बॉलिंग करते हो और तुम हमारे देश के नंबर 1 स्पिनर के बारे में नहीं जानते। हालांकि अबरार के कोच मोहम्मद मसरूर ने तब अपने शागिर्द का बचाव किया, उन्होंने कहा, उसकी गलती नहीं है, अपनी पूरी जिंदगी वह सुनील नारायण का फैन रहा है, आप उन्हें अब्दुल कादिर को नहीं जानने का दोष नहीं दे सकते। अबरार की शानदार गेंदबाजी के पाकिस्तानी दिग्गज भी फैन हो चुके हैं। शोएब अख्तर ने लिखा, ड्रीम डेब्यू फॉर अबरार, माशाल्लाह, सो गुड टू सी। इसी के साथ शाहीन शाह अफरीदी जो समय चोटिल हैं, उनका ट्वीट आया, व्हाट अ ड्रीम डेब्यू अबरार, द सुपरस्टार, वे टू गो मैजिशियन, कीप इट अप। साथ ही साथ अबरार की इस